नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आपके लिए एक नई रिक्वायरमेंट लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम जिस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है SSC के थ्रू GDS की रिक्वायरमेंट निकाली गई है, यानी कि यहाँ पर आपको कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट मिलती है। इंडिया में लगभग सेंट्रल लेवल पर जितनी भी फोर्स होती हैं, जैसे कि CISF, RPF या फिर ITBP, यहाँ पर आपको सभी फोर्सों में कुछ रिक्वायरमेंट निकाली गई हैं। यहाँ पर आपको टोटल रिक्वायरमेंट लगभग 54,000 रिक्वायरमेंट देखने को मिलती हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट बम्पर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप सभी इस रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। और दोस्तों अगर आप इसकी पूरी जानकारी A to Z देखना चाहते हैं तो बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना ब्राउजर ओपन की लेते हैं। ब्राउजर पर आपको सिंपली टाइप करना है सरकारी रिजल्ट, ठीक है ना, गूगल पर सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे सरकारी रिजल्ट, तो जो आपके सामने पहली लिंक आएगी आप उसे ओपन कर लीजिएगा। तो जो भी आपके सामने सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल पेज होगा वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा तो आपको तीन कॉलम मिलेंगे, पहला आपको रिजल्ट, दूसरा एडमिट का, तीसरा आपका लेटेस्ट जॉब का, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के कॉलम पर आपको तीसरे या चौथे नंबर पर देखिए SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है ना, यहाँ पर आपको लिखा दिख जाएगा। यहाँ पर सिंपली माउस का कर्सर ले जाकर यहाँ पर क्लिक कर दें, ठीक है ना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो भी आपकी GD रिक्वायरमेंट निकाली गई है SSC के थ्रू कांस्टेबल की, यहाँ पर उसकी आपको सारी की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट से लेके लास्ट डेट और आपका एग्जाम कब होगा, कब आपकी एडमिट कार्ड आएंगे, सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंट डेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए 24 जुलाई 2018 से यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली जा रही है। आपको यहाँ पर देखिए 24 जुलाई से आपकी रिक्वायरमेंट निकाली जाएंगी और 24 अगस्त तक, यानी कि पूरा एक महीना आपका ये फॉर्म भरते रहेंगे, ठीक है ना। एक महीने तक आपको मौका मिलेगा, आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देखिए अगर आप एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सून आ रहा है, मतलब कि अभी क्लियर नहीं हुई है इसकी डेट। तो आपको जैसे ही क्लियर हो जाएगी तो इसी वेबसाइट पर आपको ये डिटेल्स दी जाएगी, ठीक है ना, कि कब आपकी एग्जाम डेट और कब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। इसके बाद दोस्तों अगर फीस की बात करें तो यहाँ पर जर्नल और OBC की फीस आपको 100 रुपये है, ठीक है ना। आप अपने ATM डेबिट कार्ड के थ्रू आसानी से या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू इसकी पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए SC और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और यहाँ पर लड़कियों के लिए फीस बिल्कुल फ्री दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर किसी भी तरह की फीस आपको पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ आपको फॉर्म भरकर सबमिट कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर बम्पर वैकेंसी निकाली जा रही है, लगभग 55,000 वैकेंसी यहाँ पर निकाली जा रही है। तो आप जरूर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर GD कांस्टेबल वैकेंसी फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जर्नल के लिए 28,619 और OBC के लिए 11,666 और SC के लिए 9,455 और यहाँ पर ST के लिए 4,913 और टोटल यहाँ पर 54,953 वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर 18 से 21 एज आपकी दी गई है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और OBC के कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर आप SC के कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब कि अगर SC के कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर टोटल एज की छूट यहाँ पर देखने को मिलती है 26 साल, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ आपको 12th या फिर 10th पास होना अनिवार्य है। अगर आपकी 10th तो भी चलेगा और 12th तो भी चलेगा किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाइट भी दी गई है, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद चेस्ट भी आपका 81.085 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना, 81 से 85 सेंटीमीटर का आपका सीना होना चाहिए। इसके बाद रेस आपको 1600 मीटर की 6 मिनट की रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद फीमेल का भी सब अलग अलग यहाँ पर दिया गया है चार्ट बाई चार्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट की रहेगी, हाई जंप आपकी 3 से 9 इंच की रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर अलग अलग फोर्स में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, जैसे कि BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA और SSF, ठीक है ना। अगर आप इनमें से किसी भी फोर्स के बारे में अगर नहीं सुना है, ऐसी फोर्सों के बारे में शायद आपने नाम ना सुना हो, तो आप गूगल पर सर्च कर इनकी डिटेल्स निकाल सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरह की ये फोर्स होती है, ठीक है ना। इसके बाद सारी की सारी जिन जिन फोर्सों में फीमेल मेल कैंडिडेट क्या कैसी क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है फोर्स के हिसाब से, वो भी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है, और इसके बाद अगर आप पूरी डिटेल्स बारीकी से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए 24 तारीख से लिंक आपकी अवेलेबल हो जाएगी नोटिफिकेशन डाउनलोड की, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सको। इसके बाद देखिए अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी आपको 24 जुलाई 2018 से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। 24 तारीख से आप फॉर्म यहां पर अप्लाई कर सकोगे और यहां पर आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगर आप फिर भी डायरेक्ट वेबसाइट पर जाना चाहते हो तो देखिए मैं यहाँ पर आपको वेबसाइट बता देता हूँ, SSC ऑनलाइन, ठीक है ना। SSC ऑनलाइन सिंपली आप गूगल पर डाल दीजिएगा तो आपके सामने पहली लिंक आ जाएगी, आप उसे ओपन कर लीजिएगा। वहीं से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपली जिस तरह से हर साल होते हैं SSC के अनदर रिक्वायरमेंट के लिए जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसी तरह से ये कांस्टेबल के लिए भी आपको इसी तरीके से आपको अप्लाई करना होगा SSC के थ्रू। और दोस्तों इसके बाद अगर आप किसी भी तरह की समस्या आती है SSC JD कांस्टेबल में या फिर कोई जानकारी जानना चाहते हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।